जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली इंफोटेनमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकॉन। दोस्तों, आज आपको मैं ले चलता हूँ फेमस आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब। यह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रोपड़ या रूपनगर में है और इसकी चंडीगढ़ से दूरी लगभग 85 किलोमीटर या 2 घंटे की है। और अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो लगभग आपको अराउंड 340 किलोमीटर पड़ेगा और आपको यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा वो लगभग आपको लग जाएगा अराउंड 6 से 7 घंटे, डिपेंड्स ऑन रोड कंडीशन और आपकी जो स्पीड है। यह पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा हिमालय का दिखता है, जो पहाड़ियों का। ये सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ये बेसिकली नैना देवी टेम्पल की है और नैना देवी यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है और ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ये देखिए सामने आप पहाड़ी पे देखिएगा, ये नैना देवी मंदिर है और इसकी जो दूरी है यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है और 1 घंटा यहाँ से बाई कार या बाई रोड जाएंगे तो लग जाता है। और वापसी में मंदिर से आते हुए आप यहाँ पे गोविंद सागर लेक, जो भाखड़ा नांगल डैम पर बनी है, जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल पानी की लेक है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है, तो उसको भी आप आते हुए देख सकते हैं। और अब आपको मैं कोशिश करता हूँ जो हमारे यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है रहने का, तो मैं उस कॉम्प्लेक्स में ले चलूँगा आपको। और बाकी जो यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ से अगर आपको आगे जाना चाहते तो हिमाचल में काफ़ी सारी जगह हैं जो काफ़ी देखने बहुत फेमस हैं। सबसे पहले जो है चिंतपूर्णी मंदिर या चिंतमस्तिका जो मंदिर है यहाँ से, वो 95 किलोमीटर की दूरी पे, 2 से 2.5 घंटे यहाँ से लगते हैं। और उससे 1 घंटा अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ज्वालाजी टेम्पल है, जो काफ़ी मान्यता प्राप्त है, जहाँ पर जो आपका नेचुरल ज्वाला निकलती है जो हमेशा 24 आवर सदियों से जल रही है, वो भी आपको देखने लायक अट्रैक्शन है। और फिर वही रास्ता जो है आगे धर्मशाला की तरफ जाता है। धर्मशाला भी लगभग आप यहाँ आनंदपुर साहिब से बात करें तो 4.5 घंटे के आसपास का रास्ता है और धर्मशाला से ही 10-12 किलोमीटर आगे मैकलोडगंज है, जहाँ पर कुछ काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से बात करें जो मनाली वाला रास्ता है, मनाली वाले रूट पर एक सबसे पहले यहाँ से कुल्लू जो है वो पड़ता है करीब 220 किलोमीटर के आसपास, और कुल्लू से ही 35 किलोमीटर की दूरी पे है मणिकरण गुरुद्वारा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और सिख धर्म में, और बहुत अच्छा वहाँ का नज़ारा है और वहाँ से आपको माउंटेन के स्नो व्यू दिखते हैं। और साथ में वहाँ पे जो आपका गर्म पानी का कुंड भी है, जहाँ आप गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं और एकदम, और जो वहाँ पे गुरुद्वारे में जो भी लंगर बनता है, जो चावल जो भी सब्जियाँ बनती है, वो गर्म पानी के उसी में बनती, गर्म पानी का उन्होंने जो भट्टी है उसी में बनता है, वो पानी से पकाया जाता है। बहुत अच्छा नज़ारा होता है इसका देखने लायक। और अब आपको मैं कोशिश करूँगा इसके बाद जो नीचे इनका कॉम्प्लेक्स है गुरुद्वारे के साथ में, जहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह बनाया गया है, लंगर हॉल है, तो उस तरफ आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। ये जैसे लोग यहाँ पे दर्शन करके जो आ रहे हैं, और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ ये गुरु का लंगर जो है यहाँ का रास्ता है, नीचे गुरुद्वारा थोड़ा ऊपर बना हुआ है रास्ते, ये नीचे की तरफ फिर आप जाएंगे तो ये लंगर हॉल की तरफ जा रहे हैं। आपको लंगर की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है अवेलेबल और साथ में चाय पानी हमेशा पूरा 24 आवर मिलता है। और ये फिर इसके साथ ही आगे जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कमरे बनाए गए रहने के लिए। ये देखिए चारों तरफ आप देखेंगे इसमें काफ़ी, ये 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी सारे कमरे हैं। और बीच में नीचे देखेंगे तो दोनों साइड ग्रीन पार्क है और साथ में फ्लावर वगैरह और ग्रीनरी है, पेड़ लगाए गए। और मैं अभी आपको कोशिश करूँगा इसके बाद आपको ऊपर शायद इसकी ले जाऊँ, क्योंकि बालकनी से ज़्यादा आपको अच्छा नज़र व्यू आएगा। जी, बालकनी से देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स इधर से नज़र आता है। और बहुत अच्छा मेंटेनेंस इन्होंने किया है, जो बेसिकली फ्लावर्स वगैरह पार्क की मेंटेनेंस बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आता है। और इसके बाद आपको फिर नीचे इनका जो बेसिकली यहाँ पर रूम अगर आपको लेने का जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको क्या है कि सेबल फॉर एवरीबडी, हर किसी को मिल जाता है, बट वही है कि आपको इस फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, अगर खाली है तो आपकी जो आईडी आपको देनी होती है। और आपको यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले मैं आपको ऊपर से एक बार इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और पूरा इसमें कमरे ही कमरे हैं, तो काफ़ी कमरे हैं, 3 4-500 कमरे होंगे जहाँ तक ख्याल है। और ये देखिए
300-400 शायद कम नहीं लगते यहाँ पर। ये देखिए बहुत बढ़िया से व्यू आता है नगर। और अब इसके बाद मैं आपको कोशिश करता हूँ नीचे ले चलता हूँ, एक रूम पे पहले चलते हैं। रूम देखिए, रूम कैसा है, रूम का सैंपल देखिएगा। और ये रूम बहुत साफ़ सुथरा रूम है, नीट एंड क्लीन, और प्रॉपर रजाई और बेड वगैरह यहाँ पे है। और साथ आप देखेंगे तो पीछे बैक साइड में वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी है, जहाँ से ये बैक साइड का वेंटिलेशन के लिए बनाया गया। और अंदर ये है बाथरूम वेस्टर्न स्टाइल, और बाथरूम ये साफ़ सुथरा है काफ़ी। और प्रॉपर यहाँ पे गीजर वगैरह की व्यवस्था है गर्म पानी के लिए। और यहाँ से आपको वापस में नीचे एक बार बुकिंग काउंटर की तरफ ले जाऊँगा, क्योंकि बुकिंग काउंटर में पता करते हैं क्या इसके चार्जेज वगैरह हैं। ये देखिए इनका दफ्तर है जहाँ पर बुकिंग होती है, और यहाँ पर लिखा गया है इन्होंने कि जो 200 रुपये जब आप आएंगे तो 200 रुपये 200 रुपीज़ आपको प्रति कमरे के हिसाब से देना पड़ेगा। उसमें से 100 रुपया तो है ये है कि आपका किराया है, और बाकी उसके अलावा क्या है, 100 रुपये अगर आप 12 घंटे के अंदर से चेकआउट कर देंगे तो आपको 100 रुपये वापस मिल जाते हैं। और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो ये मार्केट है, जहाँ आपको ज़रूरत का सामान और जो भी गुरुद्वारे से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं तीर्थस्थान के जो लोग आ जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग मेन रोड से, तो भाई मेन रोड से आप देखिए नज़ारा, तो बाहर जो हाईवे है जो चंडीगढ़ से ये रोड आपको आ रही है, यहाँ से चंडीगढ़ से आ रही है, चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ से अगर बात करें ये आ रही है। और ये गुरुद्वारा है, इससे जो दूसरी तरफ जो रास्ता है ये आगे धर्मशाला की तरफ जाएगा। और ये इनका बस स्टैंड है जो यहाँ पर पंजाब के हर पार्ट के लिए और जितने भी जैसे दिल्ली वगैरह जो हैं सिटीज़ वहाँ के लिए बसें वगैरह शायद मिल जाती हैं डायरेक्ट। और जो भी धर्मशाला से जो बसें आती हैं वो भी यहाँ पर रुकती हैं मोस्टली। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड